हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बना रही हूँ इमली की चटनी, जो कि इफ्तार में ज़रूरी होती है बहुत सारे घरों में। तो मेरे घर में कैसे बनती है इमली की चटनी, तो इसकी रेसिपी आज यहाँ पे है। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने ले ली खजूरें, ये 500 ग्राम इमली है, आधा किलो इमली, इसको मैं भिगूंगी। ये भीग गई है, मतलब इसको ना ऐसे करके थोड़ा सा, अब ये हो जाएगी इमली। इसको मैंने भिगो देना है, खुल जाएगी पूरी। ठीक है, ये इमली मेरी भीग गई, भीग जाएगी। इसके बाद मैं खंजूरें भिगूंगी। खंजूर भी 500 ग्राम्स ही है, धो के और हड्डी निकाल दी है मैंने। और ये अब इस तरह भीग जाएगी। जब ये भीग जाएगी फिर इसके साथ आगे का करेंगे। जो इमली भिगोई थी उसकी हालत हो गई है ये, मतलब इसको मैंने छान लिया है, गुठली ली या निकाल ली सब कुछ, तो ये ऐसी हो गई। और जो खजूरें निकाली थी उनका हाल ये हुआ, गुठलियाँ निकाल के और सारा कुछ, तो ये हो गया। इंग्रेडिएंट्स जो डलेंगे वो ये हैं, लाल मिर्च, नमक, लाल मिर्च आधी चम्मच है, नमक 1 चम्मच है, 2 टेबल स्पून शुगर है वाइट वाली, सौंठ है थोड़ी सी, ज़ीरा है, ये मैंने ज़ीरा कूट लिया है, ये ज़ीरा है कूटा हुआ, और ये 3 चम्मच है ब्राउन शुगर। अगर ब्राउन शुगर नहीं है तो आप गुड़ भी ले सकते हैं। तो ये हैं मेरे इंग्रेडिएंट्स। काला नमक, बीच में थोड़ा सा काला नमक भी है, काला नमक रह गया था। तो अब इनको हम डालेंगे मिक्सर में और फिर हम इसको करेंगे ग्राइंड। को इसको हमने डालना है, सारी चीजें इसके अंदर डाल के लाल मिर्ची डाल दी, अब इसमें डालूंगी जीरा, ये जीरा है, फोकस हो जाओ, ये जीरा, मैंने जीरा डाल दिया इसके अंदर। अब ये जा रही है ब्राउन शुगर, और ये काला नमक भी इसी के साथ चला जाएगा। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा इमली, थोड़ी सी इमली,
क्योंकि ये गूदा गूदा हुई हुई है। और इमली के बाद डलेगा थोड़ा सा खंजूर का। पहले मैं इसको पीसूंगी, उसके बाद बाकी का काम। ओके, तो अब ये हो गया है, मैंने इसको पीस लिया, ग्राइंड हो गया, ये इस तरह की सूरत में आ गया है। अब मैं इसको पतीली में डालूंगी। ओके, तो ये अब पक रहा है। अब मैं इसके अंदर चम्मच चलाऊंगी, इसका ज़रा सा खद्दा पड़ जाए तो फिर मैं इसको छोड़ दूंगी, ये गाढ़ी हो जाएगी तो हमारी चटनी तैयार है। और फिर इसको फ्रीज़ कर लेंगे, जब ज़रूरत होगी तो इसको निकाल लेंगे आराम से, एक महीना ये चल जाती है। तो यम्मी सी चटनी हमारी हो जाएगी तैयार, गाढ़ी हो जाएगी। फिर मैं दिखाऊंगी कि ये गाढ़ी कैसे होगी, सो स्टे ट्यून्ड। और ये पक्के इतनी गाढ़ी हो जाएगी, ठीक इतनी ठीक। और अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये रही मेरी मज़ेदार सी चटनी, और इसको पकौड़ों के साथ खाओ, समोसों के साथ खाओ, बहुत यम्मी लगती है।